तो हेलो गाइस, मैं हूँ अदनान रहमान और आप जानते हो मुझे ओए माफिया के नाम से। तो गाइस, मैंने जैसा कि बोला था 11th मई को कि मेरा इलेक्शन है हमारे सिटी में और फिर बाकी 13 तारीख को काउंटिंग है, तो हम काउंटिंग वाली जगह पे आए हैं और भीड़ देख सकते हो आप, देखो कितनी सारी भीड़ है। सारे लोग मतलब अपने नेताओं के लिए खड़े हैं। ये सारी भीड़ देखो आप, मतलब आगे अलाउ नहीं है तो ज़्यादा अलाउ मतलब ज़्यादा आगे हम नहीं गए हैं, जा सकते हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में ये दोनों मेरे जो हैं घर के हैं बच्चे, ये लोग भी आए हैं। तो हमारे पड़ोस के नेता जो हैं वो शायद जीत रहे हैं, तो वो उनके लिए हम लोग आए हैं। तो देखो आप लोग, अभी बहुत सारी भीड़ है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से हम आगे नहीं जा रहे हैं। वैसे ट्राई करूँगा कि मैं देखूँ सेफ़ है तो मैं लेके आगे जाऊँगा। बहुत बढ़िया माहौल है गाइस, लेकिन फुल सिक्योरिटी के साथ है। ये देखो आप लोग, माहौल पूरा बना हुआ है, मतलब अच्छा लग रहा है देख के, लेकिन आगे जाने के मैं ट्राई करूँगा, लेके चलते हैं। मतलब अभी मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि सेफ़ है क्योंकि नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में ना बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती है, तो इस वजह से बस मैं लेके नहीं जा रहा हूँ आगे बच्चों को। तो वैसे देख सकते हो यहाँ पे हमारे घर के जो बगल के नेता हैं उनके लिए ये रुके हुए हैं, क्योंकि लगभग जीत कंफर्म हो चुकी है। और आगे सिक्योरिटी देखो आप लोग, पुलिस की कितनी है, मतलब आगे अब कोई नहीं जाने दे रहा है। मैंने बच्चों को घर छोड़ दिया क्योंकि सेफ नहीं था, भगदड़ मच चुकी थी, मैंने थोड़ा सा ही दिखा पाया भागने के चक्कर में, और इस वजह से आप लोग देखो कितनी भीड़ है। अभी देखते हैं आते और सब कुछ दिखाता हूँ मैं। प्रत्याशी यहाँ पे जीत के आते हुए, लोग जश्न मनाते हुए, अब तो देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को सबका दिखाऊंगा। मतलब हमें एक लोग के लिए नहीं आए, सबका दिखाने, माहौल दिखाने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो सेलिब्रेशन जारी है इन लोगों का, नेताजी देख सकते हो, लोग अपने अपने नेताओं के लिए खड़े हैं उनका स्वागत करने के लिए, वो जीत के आ रहे हैं। तो भीड़ बढ़ते जा रही है, हम भी अभी वेट कर रहे हैं और थोड़ी सी देर हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, मज़ा तो आएगा। बहुत देर से वेट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सारे खड़े हैं अपने नेताओं के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हम भी अपने नेता के लिए खड़े हैं। घर के बगल का जो है जीत चुका है, स्वागत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस आगे नहीं जाने दे रही। मैंने पुलिस से बात की लेकिन वो बोलते आगे दिक्कत हो जाएगी, मत जाओ। फिर हमने मान गया, नहीं जा रहे हैं। वैसे किसी को भी एकदम से नहीं जाने दे रहे, तो हम लोग कहाँ से जाएंगे बताओ, कैसे जाया जाए आगे, कुछ समझ आ ही नहीं रहा है। बहुत ही दिक्कत है यार, अब मुझे वेट करना पड़ेगा खड़े होकर कहीं पे आने का, लोगों को दिखाने। मैं आगे का माहौल नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर भी आगे जाने का, कैसे भी चला जाऊँ। गाइस यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे पड़ोसी हैं वो जीत के आ चुके हैं। सेलिब्रेशन देख सकते हो, इसी तरह पे होता है। सेलिब्रेशन से आपको लग रहा होगा कि पॉलिटिक्स है क्या यूपी में, जैसा कि मैंने इलेक्शन वाले दिन बताया था। आज देखो क्या है, मैंने जो कि आप लोगों को दिखाया है सेलिब्रेशन, गाइस पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ देख सकते हो। तो जीत का जश्न है ये, हमारी जीत हो गई है और मैं पूरे पसीने से भीग चुका हूँ। तभी कुछ मतलब दिखाया मैंने आप लोगों को, आगे जो होता है ज़रूर दिखाऊँगा। तो गाइस यहाँ पे मैं सेलिब्रेशन देखा, हमारी गली में हो रहे थे ये सारे सेलिब्रेशन, और अभी मैं घर के अंदर आया हूँ। फाइनली सेलिब्रेशन ख़त्म हुए, मिठाइयाँ सभी लोग ने खाई हैं, तो जीत हुई है हमारी यहाँ पे।
और बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। ये था जुनून, ये थे जज्बे, इस जज्बे की बात मैं कर रहा था जो कि मैं पिछले व्लॉग में बता रहा था इलेक्शन वाले टाइम पे ऐसा होता है। तो आप लोगों ने देखा कितना शोर, कितना पटाखा फूट रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइज। आप लोगों को भी मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मऊ से जो देख रहा है जिस एरिया से है वहाँ से किसकी जीत हुई है तो वो ज़रूर कमेंट करके बताना, और मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं अभी की नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए चलते हैं, बाय, थैंक यू।